सब्सक्राइब करें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। सभी साधकों से एक प्रार्थना है मेरी, ध्यान पूर्वक सुन लें। हम लोग दुनिया में नहीं आते उससे पहले ही माया हमें गर्भ में ही जाके रच लेती है, पकड़ लेती है, बंधन में डाल देती है। शादी हो जाए 6 महीने बाद ही छोड़िए शुरू हो जाते हैं, और कोई गुड न्यूज आई क्या? शादी के 2-3 महीने बाद ही और कुछ कोई खबर संदेश? अरे भाई सबर करो, 3 महीने बाद, 6 महीने, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए तो टेंशन हो जाती है। सबसे ज्यादा टेंशन होती सासू माँ को और मम्मी को, दो को सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि नहीं बोलो, हैं? सबसे ज्यादा टेंशन मम्मी और पति की मम्मी, एक को नानी बनने की पड़ी है, एक को अम्मा बनने की पड़ी, लेकिन जो गर्भ में पड़ा है उसकी किसी को नहीं पड़ी। और जैसे ही कोई संदेश मिले वहीं से शुरू हो जाते, अब मैं दादी बन जाऊंगी, अब मैं नानी बन जाऊंगी, अब मैं मम्मी बन जाऊंगी, अब मैं पापा बन जाऊंगा, अब मैं भैया बन जाऊंगा, अब मैं चाचा बन जाऊंगा। अरे उससे तो पूछो जो गर्भ में पड़ा है वो क्या बनना चाहता है, वो बनना चाहता भी है कि नहीं, कभी पूछा है उससे? नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा। वहीं से माया पकड़ना शुरू कर देती है मेरे भाई बहन, वहीं से। आते ही सबसे पहले मम्मी सिखा देती है, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई। वो कहता है मैं तो बेटा किसी और का हूं, मैं तो बेटी किसी और की हूं, तुम कौन हो भाई? मैं तो उस परम पिता का पुत्र हूं, उस परम पिता की पुत्री, तुम कौन हो? माया कहती है नहीं, उसे भूल जा, इसे याद कर। और ऐसी प्रबल है माया, उसे तो भुला ही डालती है। और फिर ये मम्मी बन जाती है, पापा बन जाते हैं, दादा दादी बन जाते हैं, फिर फ्रेंड बन जाते हैं, फिर पति पत्नी बन जाते हैं, और जिसने बनाया है उसी को भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। यही है माया। थैंक यू आपका, जिन्हें आप सबको याद है कि हम सबका कोई दूसरा बाप है। थैंक यू आप सबका, कम से कम याद तो है आपको, उसे याद करने के बहाने आप यहां इकट्ठे तो हुए हो। यही काम करने के लिए तो गोपियां भी जमुना के तट पे जाकर बैठ जाया करती थी। क्या करती थी? बोले श्याम की चर्चा की आप क्या कर, यही तो करती थी वो। श्याम नहीं आए घन श्याम नहीं आए रे, बैठी रहो जमुना पे आस लगाए। जब जीवन में कन्हैया को प्राप्त करने की इच्छा हो तो ऐसे ही इकट्ठे होकर उसकी चर्चा किया करो, उसकी बातें सुना करो, उसकी कथा सुना करो, जरूर यहीं कहीं बैठा मिलेगा वो तुम्हें।